गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की पोयम है द पैडलर्स कैरवन। इसके राइटर हैं विलियम ब्रॉटी रेंड्स। ओके, तो इसमें जो पोएट हैं वो उन्होंने अपनी इच्छा बताई है कि वो एक पैडलर्स की तरह रहना चाहते हैं। पैडलर्स जो फेरी वाले होते हैं वो होते हैं, ठीक, उनका कोई अपना परमानेंट हाउस नहीं होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह कैरवन के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में कैरवन में रहते हैं या अपने सामान को बेचने का काम करते हैं, ठीक है, वही उनका घर होता है। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, आई विश आई लिव्ड इन अ कैरवन विद अ हाउस हॉर्स टू ड्राइव लाइक अ पैडलर मैन, वेयर ही कम फ्रॉम नोबडी नोज और वेयर ही गोज टू बट ही गोज, हिज कारवा हैज़ विंडो टू। उनका कहना है, पोएट कहते हैं कि वो जो है एक कैरवन में रहना चाहते हैं, ठीक है, उनकी इच्छा है एक कैरवन में रहने की। जिस प्रकार से, जिस तरीके से पैडलर मैन घोड़े के सहायता से चलते हैं, उसी तरीके से वो भी चलना चाहते हैं। जिस तरह से फेरी वाले कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो आते हैं जाते हैं, उसी तरीके से वो भी रहना चाहते हैं। और साथ ही वो अपने कैरवन में, जो उनका कैरवन, ये रहा कैरवन, ठीक है, इसी में रहने का काम करते हैं, इसी तरीके के कैरवन में वो अपने उसमें खिड़कियाँ भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। अब सेकेंड है, एंड द चिमनी ऑफ टीन दैट द स्मोक कम थ्रू, He has a wife with a baby and they ride in from town to town, cheers to men and left to sell. He places in the basins like a bell. He trays basket ring in range and order. Okay? तो उनका कहना है कि उनके कैरवन में एक टीन की चिमनी है, ठीक है, जिसके द्वारा अंदर का जो भी धुआं होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है, उनके पास में। और साथ ही उनके साथ में उनकी वाइफ और उनका एक बेबी ब्राउन भी है, बेबी ब्राउन उनका बच्चा है, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड दे गो राइडिंग फ्रॉम टाउन टू टाउन, और वो उन्हों के साथ में लगातार एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते रहते हैं, ठीक। उनके पास कुर्सियां भी हैं, ठीक, और वे साथ ही साथ में कुर्सियाँ बनाने का काम भी करते हैं, ठीक है। जैसे कुर्सियाँ होती हैं उनमें जो क्या कहते हैं, बनती हैं, टूट जाती हैं, या ऊपर की जो डोरियाँ लगी होती हैं जिसमें वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनकी जो बुनाई का काम होता है वो भी करने का काम वो करते हैं, ठीक है। और साथ ही उनके पास में मिट्टी के बर्तन भी हैं, ठीक है, जिन्हें वो बेचते हैं, वे उन्हीं बर्तनों को, और साथ ही वो उन्हीं बर्तनों का उपयोग जो है बजाने के लिए एक बेल के रूप में भी करते हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि वो बर्तन बेचने वाला या सामान बेचने वाला कोई आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड पैराग्राफ, प्लेट्स विद द अल्फाबेट राउंड द बॉर्डर, द रोड्स आर ब्राउन एंड द सी इज ग्रीन, बट हिज हाउस इज जस्ट लाइक अ बाथिंग मशीन, द वर्ल्ड इज राउंड एंड ही कैन राइड रंबल एंड स्प्लैश टू द अदर साइड, ठीक है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कैरवन में प्लेट्स भी रख रखी है, जिसको उन्होंने कैरवन की दीवारों के किनारों में बॉर्डर पर सजाया हुआ है, ठीक है। वहाँ की जो सड़कें हैं जहाँ पर वो जा रहे हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं वो ब्राउन कलर में है, ठीक है। और जो वहाँ का सी है, समुद्र है, वो किस कलर में, ग्रीन कलर में है, ठीक है। लेकिन उनको उनका जो घर है, जो कैरवन है, वो उनको किस तरीके का लग रहा है, उनको वो एक बाथिंग मशीन की तरह का लग रहा है। बाथिंग मशीन क्या होती है, बाथिंग मशीन होती है एक पहिएदार बक्सा टाइप में होता है, जिसमें समुद्र में बैठ कर लोग नहाने का काम करते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि दुनिया गोल है, द वर्ल्ड इज राउंड एंड ही कैन राइड, और वो अपनी यात्रा आसानी से कर सकते हैं, उतनी यात्रा कर सकते हैं जितनी वो करना चाहते हैं, रंबल द एंड स्प्लैश टू द अदर साइड, और जितनी जगहों का पता लगाना चाहते हैं वो उतनी जगहों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।